दोस्तों आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि सपोर्टेड आप सोए हुए हैं राइट, और अचानक होता क्या है कि आपके पैर का नस चढ़ जाता है और पैर के अंदर जकड़न और दर्द होना शुरू हो जाता है, और यह दर्द जो होता है बहुत असहनीय होता है और आप तुरंत अपने पैर को पकड़ के सहलाने लगते हैं और ये सोचते हैं कि अरे भाई अभी अभी मेरा पैर सही था और अचानक इतना दर्द हमारे पैर के अंदर क्यों होने लगा राइट। यह स्थिति कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम बैठे हुए हैं कहीं अचानक पैर का नस चढ़ जाता है, तो उस समय भी यह स्थिति हमारे साथ बन सकती है राइट। या हाथों का भी नस चढ़ जाता है कभी कभी, गले का भी नस चढ़ जाता है कभी कभी। तो आज के हम इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और इसके पीछे का क्या कारण है। तो उससे पहले चीज और बता दें कि यह जो स्थिति है यह स्थिति डेंजरस नहीं है, यह स्थिति एक सामान्य स्थिति है राइट। कैसे, क्योंकि यह जो स्थिति आपके साथ अगर होती है घटना, तो 10 से 15 सेकेंड तक यह घटना आपके साथ हो सकती है, या ज्यादा से ज्यादा यह घटना आपके साथ 1 मिनट तक हो सकती है, उसके बाद अपने आप ही सही हो जाता है राइट। अब जान लेते हैं कि यह ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। तो दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं कि आपका जो शरीर है ना वह 50% मांसपेशी वाली कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो मांसपेशियां जो होती है वे सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा जो लोहे का जो स्प्रिंग होता है ना वह क्या होता है, फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। सेम उसी तरह हमारी मांसपेशियां भी फैलती हैं सिकुड़ती हैं, जिसके चलते हमारे शरीर में गति होता है। जैसे कि ये जो हमारा जबड़ा हिल रहा है ना, माउथ का निचला जबड़ा ही हिलता है, तो यहाँ पे अंदर जो है ना मांसपेशियां लगी हैं जो सिकुड़ रही है, फैल रही है, जिसके चलते स्पेशल तरीके से हमारे जबड़े में गति हो रही है। और जीभ भी जो है वो भी पेशियों का ही बना है, जिसके चलते वो भी लचीला है, हिल रहा है, डुल रहा है राइट। और जो हमारा आहार नाल है जिसमें हम भोजन को लेते हैं, तो यह जो पूरी जो पाइप पे जाके पेट में खुलती है, यानी कि अमाशय में, और अमाशय छोटी आंत, और छोटी आंत जो है बड़ी आंत में खुलता है, और इस तरह जो है कि जो भोजन है ना यहाँ से होकर पूरा गति करते हुए पेट से, यानी कि अमाशय से होकर छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय द्वारा बाहर चला जाता है, यानी कि प्रकार की गति हो रही है, जिसके चलते जो भोजन है एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है। तो पेशियों में सिकुड़ाव फैलाव की वजह से राइट क्रमांकुंचन यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, जिसके चलते ये जो भोजन पास हो रहा है। यहाँ पे जो हड्डियों पर भी जो मांसपेशियां लगी हुई है ना, तो ये क्या करती है, फैलती है, सिकुड़ती है, यानी कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं मांसपेशियों को राइट। तो मांसपेशियां जो होती है फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, तो स्पेशल तरीके से तो हड्डियों में भी गति होगा, यानी कि मांसपेशियां जब सिकुड़ेंगे फैलेंगे तो हड्डियों में भी यहाँ पे गति हो रहा है, यहाँ पर भी हड्डियों में गति हो रहा है राइट। तो थोड़ा समझ लेते हैं, अब समझना आसान होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो होता क्या है कि कभी कभी हमारे मांसपेशियों में गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कि पैरों की मांसपेशियां, हाथों की मांसपेशियां, गले की मांसपेशियां। तो होता क्या है कि मांसपेशियों में जब सिकुड़ाव होता है ना, तो उस कंडीशन में मांसपेशियों में गांठें पड़ जाती हैं, और वह गांठें लगभग 10 से 15 सेकंड तक रहती हैं, धीरे धीरे वह खत्म होती है। जब गांठें पड़ती है ना, तो अचानक लगता है कि नस चढ़ गया है और हम अपने पैर को पकड़ लेते हैं, सहलाने लगते हैं, क्योंकि बहुत दर्द होता है, यानी कि सिकुड़ी, गांठें पड़ गई, उसके बाद नहीं फैलती है, इसीलिए तनाव महसूस होता है पैर में राइट। तो यानी कि इस तरह हमारे जो पैर की जो नसें हैं, यानी कि लगता है कि नसें चढ़ गई, लेकिन नसें नहीं है, वो मांसपेशियों का जो सिकुड़ाव में गांठ पड़ गया है राइट। यह स्थिति है। अब समझ लेते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो इसके पीछे का 3 कारण है। पहला कारण हम समझ लेते हैं, पहला कारण जो है वो विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में होना। जो विटामिन सी है वह हमारे शरीर के मांसपेशियों के जो फाइबर होते हैं उसका निर्माण करता है। फाइबर मतलब कोशिका, ये जो कोशिकाएं होती है ना मांसपेशियों की, बिल्कुल तंतु के रूप में राइट, एक धागे के रूप में लंबी लंबी होती हैं राइट। तो इनका ये विटामिन सी निर्माण करता है। जब विटामिन सी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है मांसपेशियों की जो फाइबर है उनमें भी कमी होगी, और प्लस मांसपेशियां कमजोर रहेंगी, क्योंकि विटामिन सी ही नहीं है, यानी कि कम मात्रा में है, तो मांसपेशियां भी कमजोर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होगा ना, मांसपेशियां कमजोर होने के कारण जब सिकुड़ेंगी तो गांठें पड़ जाएंगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ये गांठें जो है 10 से 15 सेकेंड या ज्यादा ज्यादा 1 मिनट बाद यह सही होंगी। तो जिसके चलते पैरों की नस चढ़ने जैसी आपको फीलिंग आएगी, या गले का नस चढ़ने जैसी फीलिंग, या हाथों का जो नस जो है चढ़ने जैसी आपको फीलिंग आएगी और दर्द महसूस होगा। अब इसका जो दूसरा जो कारण है उसको समझ लेते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी शरीर के अंदर हो जाना। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का रेड कलर का एक पिगमेंट होता है, जो आरबीसी की कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि जो ब्लड है ना हमारे शरीर का, जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल जिसे कहते हैं, जिसके चलते
जो आरबीसी के कोशिकाएं जो है वह हीमोग्लोबिन के चलते लाल कलर की दिखती है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हम ऑक्सीजन फेफड़ों में लेते हैं तो यहाँ से जो ब्लड जो है वह उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से कैच कर लेता है और पूरे शरीर के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, राइट। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को कोशिकाओं के प्रत्येक कोशिकाओं के माइटोकांड्रिया के अंदर तोड़ के ऊर्जा बनाया जाता है, राइट। तो होगा क्या कि जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी हमारे शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन भी कम मात्रा में हमारे शरीर के कोशिकाओं के राइट अंदर जाएगा, कम मात्रा में जाएगा तो कम मात्रा में ऊर्जा बनेगा जिसके चलते कोशिकाओं में कमजोरी होगी। और आपको पता है कि मांसपेशियों में ज्यादा ऊर्जा चाहिए क्योंकि मांसपेशियां जो होती है वह उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर में गति लाती है, इसीलिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो उस कंडीशन होगा क्या कि हमारे कोशिकाओं में ऊर्जा कम रहेगी यानी कि मांसपेशियों में एनर्जी कम रहेगी जिसके चलते जब वो सिकुड़ेगा तो फैलने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा यानी कि वहां पे गांठें पड़ जाएंगी। एक बार सिकुड़ा गांठें पड़ गई वही जो गांठें हैं आपको दिक्कत करेगा यानी कि लगेगा कि पैरों का या हाथों का या गले का नस चढ़ा हुआ है। तीसरा जो कारण होता है इसका जो तीसरा जो कारण है वो है आयरन की कमी शरीर के अंदर हो जाना। जो आयरन होता है वह हमारे शरीर के ब्लड का निर्माण करता है, राइट। तो जब आयरन की कमी होगी तो ब्लड का निर्माण जो है वह कम मात्रा में होगा यानी कि रेड ब्लड सेल का कम मात्रा में होगा। तो जाहिर सी बात है जब कम मात्रा में ब्लड ही हमारे शरीर के अंदर है, खून की कमी है, तो जाहिर सी बात है कोशिकाओं तक ऑक्सीजन भी और पोषण भी सही से नहीं पहुंच पाएगा। तो उस कंडीशन में कोशिकाएं हमारी कमजोर रहेंगी, तो पेशी की कोशिकाएं ऑलमोस्ट कमजोर रहेंगी, तो जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यानी कि नस चढ़ने वाली समस्या क्रिएट हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कमजोरी यानी कि वीकनेस के कारण जो मांसपेशियां हैं यह सिकुड़ के गांठ बन जाती हैं और हमें लगता है कि हमारे नसें चढ़ गई हैं। तो दोस्तों आई होप हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कर लें दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।